आफ्टर पाइक्लोथर्म्स और होमियोथर्म्स में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो इन्होंने इनको वापस चेंज कर दिया, जिसको एक्टोथर्म और एंडोथर्म का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि पाइक्लोथर्म्स में कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख रहे थे, और होमियोथर्म्स में कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे, तो इसी वजह से उनको रीनेम कर दिया गया, या एक क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा चेंज करके एक्टोथर्म और एंडोथर्म्स का नाम दिया गया। अब एक्टोथर्म्स वो एनिमल्स को कहते हैं जो अपनी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से, और एंडोथर्म्स वो एनिमल्स है जो प्रोड्यूस करते हैं इंटरनली अपनी हीट को। एनिमल्स जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं दो तरीके से, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल। बिहेवियरल में एनिमल्स खुद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा जिससे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, और फिजियोलॉजिकल में एनिमल्स कुछ ऐसे हैं कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को खुद ही, बॉडी इनकी खुद ही ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होगी जहाँ पर इनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। सबसे पहले आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है आ जाते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स में बात करते हैं, तो मैमल्स या बर्ड्स जो है वो एंडोथर्म्स में आते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर जो है मैमल्स का वो 36 टू 38 सेल्सियस होता है, और बर्ड्स का 41 टू 43 सेल्सियस होता है। अब दो तरीके से जो है, अगर इंक्रीज हो जाए हीट का, अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो दो तरीके से इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग के बारे में, तो इंक्रीज हो जाए हीट बॉडी के अंदर तो किस तरीके से एनिमल्स को रिस्पॉन्स करेगा, इसमें दो तरीके हैं, शिवरिंग एंड नंबर टू नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, मैमल्स ऐसे हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिनका नाम है ब्राउन फेट। ये प्रेजेंट होते हैं आपके नेक और शोल्डर के बीच में। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में कोल्ड टेम्परेचर आपका आ जाता है, जिसको नॉन शिवरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हमने कोल्ड टेम्परेचर की बात की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन शिवरिंग में। नंबर वन, इसमें क्या होता है कि इरेक्शन ऑफ हेयर हो जाती है, आपके जो हेयर्स हैं स्किन के हेयर्स हैं वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है प्लाई मसल्स की। इरेक्शन ऑफ हेयर क्या करते हैं, एक थिक लेयर जिससे रिड्यूस करते हैं आपके हीट लॉस को, यानी यहाँ से हीट लॉस जो है वो नहीं होगी। नंबर टू, रिडक्शन हो जाता है ब्लड फ्लो का, किसकी तरफ, स्किन की तरफ। यहाँ पे आप स्किन की तरफ देखें तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वेजल्स की। अब कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्लड जो है वहाँ पर फ्लो नहीं करेगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो बॉडी सरफेस से कोई भी हीट जो है वो लॉस नहीं होगी, ये सारी की सारी हीट जो है बॉडी के अंदर ही रहेगी। फिर नेक्स्ट हमारी लास्ट जो है, सबक्यूटेनियस फैट की एक्युमुलेशन हो जाती है आपकी स्किन के नीचे, कुछ एडिपोज टिश्यूज जो है वो अंडर द स्किन जो है वो स्टोर करते हैं फैट्स को, जहाँ पर लॉस ऑफ हीट जो है वो नहीं होती। ये एडिपोज टिश्यूज के नीचे जो फैट की एक्युमुलेशन है वो बेड कंडक्टर है हीट की। अब फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कोल्ड टेम्परेचर के अंदर बात करते हैं, थर्मोजेनेसिस की, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी कि अभी हमने बात की थी नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म में, अब बात करेंगे शिवरिंग मैकेनिज्म में। शिवरिंग मैकेनिज्म में क्या होगा, आपके मसल्स जो है वो कंटिन्यूस शिवर करेंगे, शिवर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करेंगे बार बार कंटिन्यूसली, जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, या फिर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, उससे भी आपकी बॉडी को हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, या कुछ हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं जिसमें एड्रेनालिन और थायरोक्सिन जो है ये हार्मोन्स काम करते हैं आपके बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए। बिहेवियर में क्या करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में, तो बिहेवियर में कोल्ड टेम्परेचर में हमें बॉडी खुद नहीं, हमें खुद कुछ करना पड़ता है, जिसमें हम माइग्रेशन करते हैं कोल्ड प्लस से वार्म प्लेसेस की तरफ, थिक क्लोथ्स जो है वो पहनते हैं, और हडल टुगेदर यानी कि करीब करीब रहने लग जाते हैं, जहाँ पर एक दूसरे की हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो एक दूसरे के करीब रहेंगे, यहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा होगी और टेम्परेचर जो है वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। फिर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बात की हमने, यहाँ पर जो है हम बात करेंगे हॉट टेम्परेचर के बारे में। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी हेयर्स की, रिडक्शन हो जाएगी आपकी फैट लेयर्स की, वेजो डायलेशन